हाँ जी, तो आप लोगों को सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और अभी जो है ना, मेरा ये रूम सारा फैला हुआ हो रहा है और मेड जो है वो मेरी नहीं आई है। और अब्बू को नाश्ता जो है वो मैंने सुबह 8 बजे दिया था, तो उसके बाद फिर मैं सो गई थी नाश्ता देने के बाद। और भाई जो है ना, वो आज बिना नाश्ता किए चला गया, क्योंकि उसका जो है वो नाश्ता करने का मूड नहीं था, तो उसने खुद ही चाय बना के वो चला गया। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12। और ब्लॉग में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मुझे आज जाना है शादी में, और आप लोग मेरे साथ साथ जुड़े रहिए। मैं आज जो जो रूटीन अपनी जो है वो छोटे मोटे काम करूँगी, उसकी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट जो है ना वो ठीक कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी चादर भी यहीं पड़ी है, रिमोट वोट हर चीज़ जो है ना मेरे बेड पर बिखरी पड़ी है। तो मैं इसको जो है वो समेट लेती हूँ, और तब तक आप लोग मेरे साथ रहिए। अभी जो है ना ब्रू, ऐसे मैंने अभी ब्लैंकेट ब्लैंकेट हटा दिया। मैं बेडशीट को जो है वो थोड़ा सा झाड़ लूँगी, और ये जो चीज़ें छोटी मोटी मेरे बेड पे पड़ी हुई हैं मैं अभी इनको उठा के रख लेती हूँ। और ये जो है वो मेरा रिमोट फैन का, और ये मेरा क्लिप, और मेरे हैंड्स फ्री। देखें, मेरे हैंड्स फ्री का जो ना रात भर में ये हशर हो जाता है। किस किस के हैंड्स फ्री ऐसे होते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि मेरे हैंड्स फ्री तो भाई रात भर में ऐसे इनका हाल हो जाता है, जबकि मेरे ओरिजिनल हैंड्स फ्री हैं। और कहते हैं ओरिजिनल हैंड्स फ्री बड़े संभाल के रखने चाहिए, लेकिन करें मेरे हैंड्स फ्रियों का ये हशर होता है। तो मैं जो है वो जब तक बैठ की जो है वो चादर ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से आके बात करती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो बेड जो है वो मैंने समेट लिया है, और ये जो सिलवटें बीच में आ रही है ना, इसकी जो नीचे की शीट है ना उसकी सिलवटें आ रही हैं, क्योंकि नीचे भी एक शीट पड़ी हुई है, तो इसीलिए। और ये जो है ना मेरा भाई करके देता है, क्योंकि मेरे नेल्स में जो है ना दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर पाती ठीक से। तो बाकी है, मैंने बेड बेड जो है वो सब समेट दिया। और उसके बाद मुझे ये देखें छुरी किचन की यहाँ मिली, और इतने टाइम से मैं ढूंढ रही थी ना कि किचन की मेरी छुरी कहाँ है, किचन की मेरी छुरी कहाँ है, तो मेरी छुरी मुझे यहाँ से मिली। तो अभी जो है ना वहाँ का हिस्सा देखें, वो अभी मेरा फैला हुआ है, मैं अभी वो समेट लूँ। और फिर जो है उसके बाद मैंने अपने जो ड्रेसेस मंगवाए थे, एक मंगवा के मैंने जो है वो श्रिंक करके सुखा लिया, अब एक रह गया है, और मैं उसको जो है वो श्रिंक करके अभी मैं आपको बल्कि दिखा देती हूँ कि फिर मैंने कौन सा मंगवाया, और श्रिंक करके मैंने उसको हैंग करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सूट मेरा कैसा है। हाँ जी, रूम की तो मेरे हो गई है सफाई, और अब जो है मेरे उस तरफ का जो वो मेरा मिरर था वो भी मैंने साफ़ कर दिया, उधर की भी मैंने डस्टिंग कर दी है। और अब जो है मैं दूसरे जो है वो रूम के जो मिरर हैं उनकी सफाई करूँगी। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ रहिए। और ये देखें आप लोग किस तरीके से जो है ना ये शीशा मेरा साफ़ हो रहा है, और यकीन करें इतना साफ़ शीशा हो जाता है, मुझे ख़ुद को भी कभी कभी हैरानगी होती है कि मतलब कि इस तरह के जो टोटके होते हैं ना, कि अगर सर्फ़ में आप लोगों ने शैम्पू थोड़ा सा मिक्स करके अगर आप पोछा लगाएं तो तब भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और इसी तरह से अगर आपको मिरर साफ़ करना हो ना, तो आप लोग पानी में थोड़ा शैम्पू डालें और उसके बाद अपने मिरर को साफ़ करें। फाइनली मेरा ये वाला रूम भी क्लीन हो चुका है, वो वाला रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है, और अब जो बचा है जैसे कि मैंने सूट है ना, ये जे डॉट का है, आपको दिखा देंगे जो सूट है ना ये मेरा जे डॉट का, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसका दुपट्टा भी जो है ना बड़ा हसीन है, दुपट्टा भी आपको इसका दिखा देती हूँ। शर्ट मैंने इसकी इसलिए जो है वो श्रिंक की थी, क्योंकि मुझे जरा होता है कि भाई नहीं, शर्ट श्रिंक ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका जो कपड़ा जब सिकड़ जितना सिकड़ना उतना सिकड़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग ने जो है वो बगैर श्रिंक करे अपने कपड़े सिकड़ा, आपके कपड़े सिकड़ गए। तो हर कपड़े की खासियत अलग होती है, कोशिश कीजिए कि आप लोग जब भी कोई भी सूट लें आप उसको पहले श्रिंक कर लिया करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी पॉलिश आप लोगों को लगता है कि ख़राब हो
जाएगी। तो कंफर्ट फैब्रिक में आपने कपड़ों को भिगो के रखें, आपकी पॉलिश ना ख़राब होगी और आप लोग श्रिंक भी आप लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। और ये इसका है दुपट्टा और ये बहुत ही खूबसूरत देखिए ये सूट है मेरा। मैंने गर्मी के हिसाब से लाइट कलर बनाया है क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में जो है लाइट कलर से अच्छे लगते हैं और यह भी मेरा घर में पहनने का, तो इसीलिए मैंने जो है वो इसको इस तरह से बनाया। एक जो मेरा अलकलम का है वो कोशिश करूँगी कि मैं ईद पे पहनूँ या उससे पहले पहनूँ क्योंकि दादी का इंतकाल हुआ है और पहनी ईद है, तो हो सकता है कि फिर मैं इस दफ़ा कोई खास फैंसी ड्रेस ना बनाऊँ, बस घर में पहनने के लिए ज़्यादा मेहमानों का आने जाना होगा, तो फिर मैं एक हल्का फुल्का सा लॉन्ग ड्रेस भी बना लूँगी। हुआ तो कोलकाता का ही बना लूँगी या हुआ तो एक और खरीदूँगी, लेकिन मैं लूँगी ही इस दफ़ा लॉन्ग का। तो बाकी ये है कि इसको टेलर के जब सिल के आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये कैसा सिला और मैंने कैसे सिला। हाँ जी, तो सारे कामों से हम लोग फ्री हो चुके हैं और मेरा मेड भी काम करके जा चुकी है और मेरा घर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साफ सुथरा हो गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं अकेले होने की वजह से मैं अपने घर के कामों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती है, तो मैं किचन सेट कर पाती हूँ या मैं जो है वो बाहर का लाउंज या रूम सेट कर पाती हूँ, क्योंकि अकेले जब होता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरे ऊपर जो है ना वो बहुत ही कम उम्री में ही पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी क्योंकि मेरी अम्मी जब बीमार हुई थी तो मैंने बहुत कम उम्री में ही घर संभाल लिया था, क्योंकि 19-20 साल की जमे थी तो मैंने घर संभाल लिया था। और मेरी अम्मी के इंतकाल को माशाल्लाह 8-4 साल हो गए और मैंने एक बचपन से समझे कि जब वो छोटी उम्र थी ना जब से ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की जिम्मेदारी को कोशिश की कि मैं बखूबी निभाऊँ। और जब जाहिर है आपके ऊपर जब सारी जिम्मेदारियाँ बड़ों वाली हो जाती हैं फिर कुछ चीज़ें आप बड़ों वाली भी आ जाती हैं, तो यही चीज़ होती है। तो अब मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, जैसे कि शादी में मुझे जाना है और आज मुझे क्या पहनना है, आज मैं दूसरा ड्रेस पहनूंगी, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ कि मेरा वो ड्रेस कैसा है और शादी किसकी है। साथ साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको सब कुछ साथ साथ बताती जाऊँगी। तो फिर मैं आप लोगों को सबसे पहले चल के अपना ड्रेस दिखाती हूँ। देखिए, नेक का मेरा ये बड़ा ही खूबसूरत सा सूट है और इसकी स्लीव जो है ना वो इस तरह की है और बड़ा ही हसीन मेरा ये सूट है। और इसका जो है वो ट्राउज़र इसी कलर का है और दुपट्टा जो है ना वो इसका इस तरह रेड कलर का है। तो अभी जो है मैं इसको आयरन तो नहीं करूँगी, हाँ इसको हल्का सा जो है इसको पुशर मार के इसके बैक साइड उल्टा करके सिर्फ इसकी जो लाइनिंग है ना इसकी लाइनिंग को मुझे आयरन करनी है, क्योंकि इस पर मैं आयरन नहीं कर सकती। तो दुपट्टा इस पर मुझे कॉटन का कपड़ा रख के आयरन करना पड़ेगा क्योंकि जल जाएगा, क्योंकि बहुत हसास फैब्रिक है। और इंशाल्लाह मैं जब तैयार हो जाऊँगी तो फिर मैं उसका भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब तक अब मैं बनाती हूँ खाना, तो ज़ाहिर है आपको शादी में जाना है तो खाना मेरा बहुत ही सिंपल बनेगा, तो मेरे साथ साथ जुड़े रहिए। हाँ जी, तो अब सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि पप्पो ने जो है वो आज पिज़्ज़ा मंगवाया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बिरयानी शौक से नहीं खाते, वो बिरयानी लेकर आएंगी बना के हमारे लिए, तो बच्चे तो बिरयानी नहीं खाते, तो पप्पो ने कहा कि तुम भी आके जो है वो पिज़्ज़ा खा लो। और पिज़्ज़ा मैंने कहा कि अगर वो फ्री में मिल रहा हो तो फिर कौन इसको मिस कर सकता है, तो मैंने कहा चले पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो पप्पो ने मंगवाए थे ये 2 लार्ज पिज़्ज़ा और 2 लार्ज पिज़्ज़ा के साथ जो है ये कोल्ड ड्रिंक डील में आई थी, और यकीन करें इतने सारे लोग थे, ये 2 कोल्ड ड्रिंक थी और बाकी मंगाई नहीं थी कोल्ड ड्रिंक, तो इसी 2 में जो है हम लोगों को गुजारा करना पड़ा। पिज़्ज़ा मैं खा के आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी अपनी स्किन की थोड़ी सी मरम्मत। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी डर्माकॉस का कोकम्बर क्लिंजर और इससे जो है वो स्किन पर थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है और गर्मियाँ अब आ चुकी हैं तो मेरे लिए अब ये अच्छा है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है। तो अभी मैं इसको यूज़ करने के बाद जब इसका दूसरा वाला क्लिंजर यूज़ करूँगी तो वो थोड़ा ऑयली है तो मेरी स्किन जो है वो बैलेंस हो जाती है, तो सबसे पहले करेंगे इससे क्लिंजर। अच्छा, तो वो वाला मैंने क्लिंजर कर लिया, तो अब मैं करूँगी केक केमिस्ट का यूज़। और मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने ये प्लेन जो है वो शीशी में कर लिया था, क्योंकि मेरे पास जो है वो इसकी बहुत बड़ी बॉटल थी तो फिर मैंने आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ इस्तेमाल करो तो आपकी स्किन को नुकसान होता है। तो हर चीज़ जो है ना मैं कम कम क्वान्टिटी में लेती हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो और नई चीज़ आ सके। तो अब जो है मैं इसका ये क्लिंजर केक केमिस्ट का कमाल है, मैं अब ये यूज़ करूँगी। अच्छा, केक केमिस्ट से करने के बाद मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई थी, तो अब मैंने किया है कीवी का स्क्रब, बहुत लाइट मैं जो है वो उसको करूँगी,
मुझे सिर्फ मेरी नाक और चिन पे मैं करूँगी, तो क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो ज़्यादा इसका मुझे सूट नहीं करता, तो मैं इसको कम करूँगी। हाँ जी, तो फिर सबसे लास्ट में हम करेंगे डर्मा कॉस की ग्रे क्रीम। बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन क्लिंजर है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग इसको जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। 2.5 से 3 हज़ार रुपये में आपकी पूरा फैशन का सामान डर्मा कॉस का आ जाएगा और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है भाई। मैं तो बहुत ईजीली यूज़ करती हूँ, एक बार ले लो, साल डेढ़ साल की छुट्टी है, तो इसको जो है वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसके बाद फिर शाम की चाय मैं बनाऊँगी, क्योंकि अब्बू आ गए हैं और अब्बू आराम कर रहे हैं अभी, तो उसके बाद फिर शादी की तैयारी मैं स्टार्ट कर दूँगी। मोमल कैसे आना हुआ आपको, ये की याद कैसे आई? आप अकेली बैठने में तो मैंने सोचा कि आपके पास आ जाओ। चाय तो आप पीती नहीं हो, कुछ खाओगी जो कुछ पियोगी? और हसन आप कुछ खाना है आपको? शादी में जाना है, क्या प्रिपरेशन किया शादी में जाने की? कपड़े, क्या कपड़े पहने हैं? ना पंखा फैन हल्का करो। मम्मा ने निकाले और मम्मा भी इस्त्री कर रही है। मम्मा इस्त्री कर रही है? मम्मा क्या इस्त्री कर रही हैं? कपड़े, कपड़े इस्त्री कर रही हैं। और हसन आप बताइए, कुछ भी बताइए आप, क्या हाल है आपके, कैसे आपने अय्या को याद किया? ऐसे याद किया? ऐसी क्यों याद किया अय्या को? और ये ड्रेसिंग कौन सा मिटेगा जो ये की ड्रेसिंग देखो किस कदर खौफनाक है, ये की ड्रेसिंग फैलाई है। मैंने अगर फेशियल किया था तो मेरी दराज भी खुली छोड़ दी, मेरे सारी चीज़ें जो है ना सामने खुली छोड़ दी हसन ने। यार हसन क्या करते हो, जाओ जाके, चलो जिसने भी किया ना सबसे पहले से मेरी क्यों लेट रहे हो? शादी में नहीं जाना? जाना, चलो अब शादी का टाइम भी हो गया है, तकरीबन 7:30 हो बज रहे हैं, तैयारी भी हमें करनी है। तो आप सबको बोलो अल्लाह हाफिज़, हम जब मिलेंगे अभी जब हम रेडी हो जाएंगे, जब हम रेडी हो जाएंगे, तो फिर अब हम रेडी होने चलते हैं, तो फिर चले बाय। हाँ जी, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और कैसा लगा आप लोगों को मेरी फ्रॉक कैसी लगती है आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये छोटा सा टापलिन है और इसका जो है वो प्लेन ट्राउज़र, और बाकी मैं आप लोगों से जरूर पहनूंगी आप लोगों की बात। जी वॉच तो मैंने पहन ली है और रिंग भी मैंने पहन ली है, और अब मैं पहनूंगी ब्रेसलेट और उसके बाद मेरी तैयारी जो है ना हो चुकी है, डन। एक मिनट में जरा इसको लगवा के आता हूँ। हाँ जी, तो बाल भी आप लोगों ने मेरे देखे कि मैंने स्ट्रेट किए हैं और मैंने बहुत ही सिंपल सा अपना लुक रखा है। ये मेरी फ्रॉक है और ये इसकी स्लीव्स हैं, और आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा लुक। हाँ जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अब ये लुक है और मैं हो चुकी हूँ अब रेडी, और अब मैं जो है वो थोड़ी देर में निकल जाऊँगी जब अब्बू आ जाएंगे। सिर्फ अब्बू को तैयार होना बाकी, बाकी मैं तैयार हो गई हूँ। कुछ मुझे पिक्चर्स लेनी है थंबनेल के लिए, तो मैं थंबनेल के लिए पिक्चर ले लेती हूँ और वहाँ जाके अब मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो डाल दूँगी, वरना फिर वीडियो को मैं यहीं पेंड कर दूँगी। तो बाकी जो है वो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा आगे जाके कि मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पर या सिर्फ पिक्चर्स दी थी, वो आप लोगों को थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा। तो तब तक मैं ब्लॉग को यहीं पेंड कर रही हूँ क्योंकि अब्बू आने वाले हैं, मुझे अब्बू को भी देखना है। तो तब तक के लिए यहाँ अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ हम शादी में आ गए थे और शादी में जो है ना वो दो चाइनीज़ भी आए हुए थे जो कि मेरी जो फ्रेंड है उसके बॉस थे, और ये मेरी बचपन की दोस्त है और हम अच्छे जो है वो मोहल्लेदार भी हैं और हम साथ में जो है पले बड़े हैं। तो खाना जो है वो स्टार्ट हो चुका था और मैंने हर चीज़ जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी ली थी। कोशिश किया कीजिए कि जब शादी हो जाएगी जो खाना ज़ाया मत किया कीजिए, ब्लॉग को मैं यहीं पेंड कर रही हूँ। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जिए और जीने दें। अल्लाह हाफिज़।